At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर विद्युत विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है शासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की जो है विद्युत कटौती को लेकर रोस्टर जारी किया गया है। क्या पूरा मामला है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी आपको बता दें अरुणेश कि प्रदेश के सामान्य ग्रामीण स्तरीय क्षेत्रों में विद्युत कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है। ये शासन की ओर से जारी किया गया है और ये जो शेड्यूल है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए लागू किया गया है। इसमें अलग अलग जनपदों के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में समय भी निर्धारित किया गया है। तो कुल समय जो है ग्रामीण इलाकों में यूपी के जितने भी गांव हैं अधिकतर वहां 6 घंटे की विद्युत कटौती निर्धारित की गई है। अब हम आपको बात करते हैं कि S1A जनपद प्रयागराज बलिया भदोही देवरिया गाजीपुर वाराणसी कुशीनगर मऊ संत कबीर नगर और सोनभद्र यहाँ पे 6 घंटे की कटौती हो गई। कुछ ग्रामीण इलाकों में जो S1A के अंतर्गत आते हैं सुबह 9 से 11.30 बजे तक और दोपहर में 2:15 से 5:45 तक, मतलब सुबह 9 से 11.30 और 2:15 से 6:45 तक। इसी तरह S1B है, वहां भी यही जनपद है, प्रयागराज बलिया भदोही देवरिया गाजीपुर वाराणसी कुशीनगर मऊ संत कबीर नगर और सोनभद्र, यहाँ पे सुबह 6:15 से 9:15 3 घंटे सुबह और 11:15 से 2:15 ये मान के चलिए 3 घंटे दोपहर में विद्युत कटौती होगी S1B के अंतर्गत जो जिले आते हैं। इसी तरह S2A के अंतर्गत जो जनपद आते हैं, जनपद आजमगढ़ बस्ती चंदौली फतेहपुर गोरखपुर कौशाम्बी महाराजगंज मिर्जापुर सिद्धार्थनगर जौनपुर प्रतापगढ़, यहाँ सुबह 7 से 10 और दोपहर में 12:30 से 3:30 बजे तक विद्युत कटौती होगी। इसके अलावा इन्हीं जनपदों में S2B में जनपद जो रखे गए हैं उनमें कुछ ग्रामीण इलाके अलग हैं, उनकी अभी जानकारी नहीं दी गई है विभाग द्वारा। इनको सुबह 4:55 से 7:55 और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक विद्युत कटौती निर्धारित की गई है। और सबसे अहम बात अरुणेश हम सीतापुर की आपको बात बता दें, जो सीतापुर में जनपद आते हैं लखनऊ मंडल के अंतर्गत, तो LKO 1A में जो जनपद रखे गए हैं वो अंबेडकर नगर बहराइच बाराबंकी बदायूं गोंडा लखीमपुर खीरी पीलीभीत शाहजहांपुर सीतापुर उन्नाव, ये मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो जिले आते हैं। इन जिलों में जो सीतापुर है उनके कुछ जनपदों कुछ ग्रामीण इलाकों में सुबह 6:30 से 9:30 और दोपहर में 11:30 से 2:30 बजे तक विद्युत कटौती होगी। और इन्हीं जनपदों में जो LKO 1B में रखे गए हैं सुबह 9:15 से 12:15 तक और दोपहर में 2:25 से लेकर 5:25 तक विद्युत कटौती होगी। इसके अलावा आपको बता दें LKO 2A में जो जनपद रखे गए हैं, जनपद अमेठी बलरामपुर बरेली अयोध्या हरदोई लखनऊ रायबरेली श्रावस्ती सुल्तानपुर, यहाँ ग्रामीण इलाकों में सुबह 5:40 से 8:25 तक और दोपहर में 3:35 से 6:50 तक LKO 2B में भी ये जिले रखे गए हैं। वहां पे कुछ अन्य ग्रामीण इलाके होंगे, वहां पे सुबह 8:25 से 11:25 और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक विद्युत कटौती होगी। इसके अतिरिक्त अरुणेश हम आपको बता दें कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो जिले आते हैं P1A और P1B के अंतर्गत ये जिले बांटे गए हैं। तो P1A में जनपद आगरा औरैया इटावा फिरोजाबाद हाथरस कासगंज मथुरा और कानपुर में सुबह 9:30 से 12:30 और शाम को या दोपहर में 3:45 से लेकर 6:45 तक 6 घंटे तक विद्युत कटौती होगी। और इन्हीं जनपदों में P1B में जो जनपद यही जनपद है और वहां के अन्य जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे 6:45 से 9:45 सुबह लाइट कटेगी
और 11:45 से लेके 2:45 तक दोपहर में लाइट कटेगी। इसी के अलावा P2A में जो जनपद रखे गए हैं अलीगढ़, एटा, फरुखाबाद, कानपुर देहात, मैनपुरी, कन्नौज में सुबह 8 से 11 और दोपहर और उसके बाद दोपहर में 1:15 से 4:15 तक, और इन्हीं जनपदों के अन्य ग्रामीण इलाकों में सुबह 10 से 1:30 डेढ़ बजे तक और शाम को 4:30 से 7 तक विद्युत कटौती होगी, कुल 6 घंटे। इसके अलावा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत जो जिले रखे गए हैं उनमें MP1A में जनपद अमरोहा, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली में सुबह 6:25 से 9:25 तक और दोपहर में 12:00 से 3:00 तक विद्युत कटौती होगी, और इन्हीं जनपदों में अन्य ग्रामीण इलाकों में सुबह 9:15 से 11:30 तक, उसके बाद दोपहर में 3:15 से 7:00 तक का विद्युत कटौती होगी अरुणेश। और इसके अलावा MP2A में जो जिले रखे गए हैं बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, रामपुर, संभल, मुरादाबाद में सुबह 9:35 से 12:35 तक कटौती होगी, उसके बाद दोपहर में 2:30 से लेकर शाम को 5:30 तक विद्युत कटौती होगी। MP2B में भी यही जनपद हैं बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, रामपुर, संभल, मुरादाबाद में सुबह 6:15 से 9:15 और शाम को 4 से 7 विद्युत कटौती होगी। तो ये वो जिले हैं जिनके ग्रामीण इलाकों में 6 घंटे की विद्युत कटौती का शेड्यूल निर्धारित किया गया है, और जो बुंदेलखंड ग्रामीण क्षेत्र है हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, यहाँ पे सुबह 5:30 से 7:30 और शाम को 3:00 से 5:00 तक कुल 4 घंटे की विद्युत कटौती होगी। और BK2 के जिले जो है बांदा, झांसी, जौलौन, यमुनापार, प्रयागराज, यहाँ पे सुबह 7:30 से 9:15 तक और 4:40 से 6:55 तक 4 घंटे विद्युत कटौती होगी अरुणेश। और ये जो शेड्यूल जारी किया गया है ये ग्रामीण अलग अलग गांव में अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से होगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यूपी के अधिकांश गांव में 6 घंटे की विद्युत कटौती निर्धारित हुई है। लेकिन देखा ये जाता है कि गाँव में इस समय जैसी प्रचंड गर्मी में हाल देखने को मिला है विद्युत कटौती का, वो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे लाइट नहीं आती, और कई कई गांव ऐसे हैं जहां कई दिनों तक लाइट नहीं पहुंची। अब देखना होगा जो शेड्यूल जारी किया गया है उस पर कितना अमल होता है अरुणेश। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस समय आइडिया पर निकलकर सामने आ रही है विद्युत विभाग से जुड़ी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि शासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत कटौती है, बिजली की कटौती, उसकी टाइमिंग और अब निर्धारित यह भी कर दिया गया है कि लाइट कितने से कितने बजे तक कटेगी। इसमें यह बताया जा रहा है कि सीतापुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें सुबह 6:30 से 9:30 तक और फिर दोपहर से जो है 11:30 से 2:30 तक जो है यह समय निर्धारित किया गया। लेकिन इन सबके बीच जो है ग्रामीण अंचलों से ऐसी खबरें आती हैं कि लिखा पढ़ी में तो कटौती वो 6 घंटे की, लेकिन 12-12, 13-13 घंटे लाइट नहीं आती है, और ग्रामीण किसान जो है आपको बता दे प्रियांशु इसमें जो है सिंचाई को लेकर के अन्य उनके काम होते हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको एक काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। फिलहाल अब जब ये नया रोस्टर जारी हुआ है तो अब इसको कितना अमल में लाया जाएगा या तो वक्त बताएगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।